हम लोग के जो प्रोग्राम है इनकी बुनियाद दो पिलर्स पे है पहले तो आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कितने लोग सोचते हैं दैट पीपल आर आर ग्रेटेस्ट एसेट प्लीज रेज योर हैंड नॉट ट्रू नॉट ट्रू एट ऑल साहब ध्यान दीजिएगा पीपल आर नॉट एसेट्स Only good people are assets; rest are all liabilities. कहीं पर भी देखिए साब, only good people are assets; rest are all liabilities. और goodness कहीं पर भी देखें, अच्छाई हमेशा हमलोगों को सीखनी पड़ती है. Goodness always needs to be cultivated; evil happens. एनी वे हम लोग के प्रोग्राम की बुनियाद दो है एक वी डोंट हैव बिजनेस प्रॉब्लम वी हैव पीपल प्रॉब्लम्स एंड वेन वी टेक केयर ऑफ आर पीपल प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ आर बिजनेस प्रॉब्लम आर ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हम एग्री विद यू हम इसका आंसर येस है बिल्कुल ठीक दट ट्रू एब्सोल्यूटली मतलब क्या है हमें व्यापारिक प्रॉब्लम समस्याएं नहीं है व्यावहारिक समस्याएं हैं और जब हम व्यावहारिक समस्याओं को दूर कर लेते हैं हमारी व्यापारिक समस्याएं अपने आप दूर हो जाती हैं साहब। ऑटोमैटिकली ये एक पिलर है और देखिए आप कहीं पर भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में वी आर हायर्ड फॉर आवर स्किल्स बट वी आर फायर फॉर आवर बिहेवियर यस नो एट दिस इट इज ट्रू हम लोग को हमारे स्किल के लिए हायर किया जाता है लेकिन फायर कर दिया जाता है अपने व्यवहार की वजह से और दूसरी चीज जब भी कोई इंसान यह कहता है कि यह मैं काम नहीं कर सकता वो दो चीज कह रहा है या मुझे करना नहीं आता या मैं करना नहीं चाहता ध्यान से देखिए जब कोई इंसान यह कहता है कि यह काम मैं नहीं कर सकता दो चीज कह रहा है या मुझे करना नहीं आता या मैं करना नहीं चाहता अगर यह कह रहा है कि मुझे करना नहीं आता तो उसको टेक्निकल ट्रेनिंग एजुकेशन की जरूरत है साहब लेकिन अगर यह कह रहा है कि मैं करना नहीं चाहता तो दो चीज कह रहा है या मैं परवाह नहीं करता दैट इज एटीट्यूड इश्यू मेजर चैलेंजेस दो कैटेगरीज में आती हैं या एक एटीट्यूड इशू होता है या वैल्यूज इशू होता है नाइनटी परसेंट ऑफ द प्रॉब्लम आप देखें कि सब एटीट्यूड की बात है एक ही हालात में एक ही हालात में कैसे कुछ लोग नए रिकॉर्ड तोड़ देते हैं कुछ लोग अपने आप को तोड़ लेते हैं साहब एग्जैक्टली द सेम सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेज हाउ कम कैसे कुछ लोग नए रिकॉर्ड तोड़ देते हैं कुछ लोग अपने आप को तोड़ लेते हैं सेम सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस एटीट्यूड आप लोगों में से कितने लोगों ने मुझे पहले सुना है मैं हाथ खड़ा करके बताई तो अच्छा मैं इसलिए जानना चाहता हूं कि विल यू लाफ एट द सेम जोक्स दैट्स व्हाई सो आई वांट टू गेट अ न्यू दैट्स ऑल सो दैट आई वांट टू मेक श्योर आई गेट डिफरेंट सेट ऑफ जोक्स दैट्स इट ओके इंपॉर्टेंट थिंग इज आप लोगों ने मोहम्मद अली का नाम सुना है साहब हु वाज मोहम्मद अली द चैंपियन बॉक्सर साहब जब वो रिंग में जाते थे क्या कहते थे आई एम द आई एम द ग्रेटेस्ट आई एम द चैंपियन आई एम द ग्रेटेस्ट आई एम द चैंपियन आई एम द ग्रेटेस्ट आई एम द चैंपियन ही नेवर सेड आई होप आई विन आई होप आई विन आई होप आई विन ये कभी नहीं कहा साहब उन्होंने ही टू से आई एम द चैंपियन आई एम द ग्रेटेस्ट ये क्यों कहते थे एंड जब वो रिंग में जाते थे और अपने अपोनेंट को देखते थे और उसको कहते थे यू हैव द बेल्ट बट आई एम द चैंपियन बेल्ट तुम्हारे पास है लेकिन चैंपियन मैं हूं सब रिंग के अंदर चैंपियन बनने से पहले वो बाहर चैंपियन बन चुके थे ऑलरेडी ही चैंपियन आउटसाइड बट ये क्यों कहते थे आई एम द ग्रेटेस्ट आई एम द चैंपियन दिस इज पॉजिटिव थिंकिंग मेंटली अपने आप को ही टू साइक हिमसेल्फ अप मेंटली इसका क्या मतलब है विद पॉजिटिव थिंकिंग एवरीथिंग इन लाइफ इज पॉसिबल हाउ मेनी एग्री विद दैट रेज यू हैंड नॉट ट्रू दिस वन इज नॉट ट्रू साहब ध्यान दीजिएगा बहुत गलत फहमियां हो जाती हैं आदमी को मैं साहब चाहे जितना पॉजिटिव हो जाऊं मैं आपका किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कर सकता साहब मर जाएगा दूसरा आदमी सब पॉजिटिव थिंकिंग सफलता की गारंटी नहीं करता है पॉजिटिव थिंकिंग पॉजिटिव एफर्ट के साथ एंड पॉजिटिव एक्शन के साथ आपकी सफलता की संभावना को बढ़ा देता है साहब साहब जब मोहम्मद अली ये कह रहे थे आई एम द ग्रेटेस्ट आई एम द चैंपियन आई एम द ग्रेटेस्ट मेंटली साइकिंग हिमसेल्फ उस टाइम वो अपने बैठक में बैठ के वहां पे पॉपकॉर्न नहीं खा रहे थे वीडियो नहीं देख रहे थे टेलीविजन नहीं देख रहे थे कोको कोला -को -को नहीं पी रहे थे ऑल द टाइम जब वो कह रहे थे आई एम द ग्रेटेस्ट आई एम द चैंपियन ही वॉज इन द रिंग पंचिंग द बैग ऑल द टाइम ही वॉज पंचिंग द बैग मतलब पॉजिटिव थिंकिंग पॉजिटिव एक्शंस के साथ चल रही थी क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग विदाउट पॉजिटिव एक्शन विल गेट यू नो वेयर इन लाइफ मैं किताब लिख रहा हूं मिथ्स बहुत बारी ये गलत फहमी होती कि साहब पॉजिटिव थिंकिंग से सभी कुछ कर लोगे आप नो नो पॉजिटिव थिंकिंग मस्ट बी बैक विद पॉजिटिव एक्शंस इन ऑर्डर टू अचीव सक्सेस इंक्रीज इज योर प्रॉबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है इससे मोहम्मद अली ने एक और बात कही कि जिंदगी में सफल होने के लिए आपको दो चीजें चाहिए आपको काबिलियत भी चाहिए आपको इरादा भी चाहिए विच मीन्स ही सेड यू नीड द स्किल एंड यू नीड द विल टू सक्सीड यू नीड टू थिंग्स इन लाइफ यू नीड द स्के एंड यू ऑल्सो नीड द विल एक के बिना दूसरी काम नहीं करेगी साहब दोनों चीजें चाहिए आपको काबिलियत भी चाहिए इरादा भी चाहिए लेकिन इन दोनों में से इन दोनों में से उसने कहा कि विल इज अ लिटल मोर इंपॉर्टेंट दैन द स्के

और मैं वहां पे जमीन पे लेटा हुआ था और रेफरी मुझे काउंट कर रहा था उस टाइम मेरे स्किल ने मुझे मदद नहीं की साहब व्हाट स्किल बोले उसने ऑलरेडी तो मुझे मार के गिरा दिया उस टाइम बोला इट वाज माय विल जो मुझे कह रही थी बार बार एक बारी फिर से उठ जाओ भाई एक बारी फिर से खड़े हो जाओ एक बारी फिर से खड़े हो जाओ साहब एक बारी फिर से खड़े हो जाओ एक बार फिर से खड़े हो जाओ साहब इट वॉज माई विल इट वॉज नॉट माई स्किल दैट पिक मी वन मोर टाइम साहब आप लोगों ने माइकल फेल्प्स का नाम सुना होगा कौन था माइकल फेल्प्स? दैट स्विमर कितने गोल्ड मेडल जीते साहब उसने 21 या 22 जीते लास्ट ओलंपिक्स में लेकिन इसको प्रसिद्धि कब मिली 2008 में जब इसने क्या किया बेजिंग में 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा किसका मार्क्सपिट्स का मार्क्सपिट्स स्पिट्स 1972 में म्यूनिक में उसने सात गोल्ड मेडल जीते थे। वहां पे प्रेस वाले भी थे तो किसी ने कहा कि साहब सात गोल्ड मेडल जीत लिया आपने मस्ट बी योर लकी डे मस्ट बी योर लकी डे तो जब मार्क्सिस्ट ने यह सुना मस्ट बी योर लकी डे उसको बहुत बुरा लगा तो उस जर्नलिस्ट को बुलाता है कहता है तुम इधर आओ मैं तुमको बताता हूं वट लक डेट फॉर मी कहता है आई वॉज इन मेक्सिको 1968. बोला मुझे मैंने तीन गोल्ड मेडल जीते हिसेस मैं खुश था लेकिन ना खुश था बोले मेक्सिको से म्यूनिक में चार साल में मैंने दस हजार घंटों की प्रैक्टिस की है और अगर आपका गणित अच्छा है इसका मतलब है ढाई हजार घंटे हर साल और गणित और अच्छा है इसका मतलब है आठ घंटे डेली बिना एतवार के और मार्क्सपिस्ट ने जर्नलिस्ट को कहा कि आप ऐसा कीजिए अगले चार साल के लिए आठ घंटे डेली पानी में बैठ जाइए आपका जिसम सुकड़ जाएगा पूछता है बोले क्या किस्मत किस्मत ने मुझे जिता दिया है बोले साहब लक इज नॉट डिजाइन टू तो डिलीवर यू दीज थिंग्स इन लाइफ और उसने जवाब दिया बोले एथलीट्स ध्यान दीजिएगा एथलीट्स ट्रेन 15 इयर्स फॉर 15 सेकंड्स ऑफ परफॉर्मेंस बोले साहब एथलीट्स पंद्रह साल की तैयारी करते हैं पंद्रह सेकंड की परफॉर्मेंस के लिए जाके उनसे पूछिए किस्मत ने दिला दिया उसको हमारा ऑफिस है सिंगापुर में तीन साल पहले मैं अखबार पढ़ रहा था 2016 की ओलंपिक्स के लिए पांच गोल्ड मेडल के लिए तीन साल पहले अखबार में लिखा था कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं 2016 के लिए पांच गोल्ड मेडल जीतने के लिए और उससे कितने साल पहले से तैयारी चल रही है इमेजिन बोले साहब एथलीट्स पंद्रह साल की तैयारी करते हैं पंद्रह सेकंड की परफॉर्मेंस के लिए तो साहब ऐसा है लेकिन माइकल फेल्प्स ने आठ गोल्ड मेडल जीते बेजिंग में अब मैं यहां से हाथ देखना चाहता हूं आप लोगों में से कितने लोगों को यह मालूम है कि दो साल पहले ओलंपिक से 2008 से पहले माइकल फेल्प्स का हाथ फ्रैक्चर हो गया था साहब एक वन लेडी आई नीड टू गिव यू गिफ्ट अप हियर ओनली वन पर्सन लुक एट दिस I'm gonna give you one of my posters. Sab don't quit. It says, When things go wrong as they sometimes will, when the road you are trudging seems all uphill, when the funds are low and the debts are high and you want to smile but you have to sigh, when care is pressing you down a bit, rest if you must, but don't you quit. It says success is failure, turned inside out. The silver tints of clouds of doubt. You never can tell how close you are. It may be near when it seems so far. It says, so stick to the fight when you hardest hit. It's when things go wrong that you must not quit. Thank you very much.